9 मार्च 1978 की एक सुबह स्कूल लेवल के एक मुकाबले में जब मैंने किसी मजमून में टॉप किया तो उन्होंने वहाँ पे मुझे इनाम के तौर पे हकीम सईद साहब ने एक किताब गिफ्ट की, और वो किताब थी, उसका नाम था प्यारे रसूल के 100 प्यारे वाक़यात। हकीम सईद साहब ने मुझे किताब देते वक्त कहा कि इसके अंदर 100 वाक़यात हैं, रोज़ाना एक वाक़या पढ़ना है, फिर उसे अपने अल्फाज में ख़त की शक्ल में मुझे लिखना है। 9 मार्च 1978 से लेके गुजरी हुई रात तक मेरी 24 घंटों में शायद ही कोई ऐसा वक्त गुजरा हो जिसमें मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक तालिबे इल्म के तौर पे सब करना पड़ा हो कि ऐसा दीन जो तहारत गाह में भी इंसान को हिदायत और रहनुमाई से महरूम नहीं रहने देता, ये कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में वो हमारे लिए रहनुमाई न फराहम करता हो। हुजूर फरमाते हैं सारा खैर जो है ना उसकी बुनियाद मियाना रवी के अंदर अल्लाह ने रखी, इतदाल के अंदर रखी। हमने ये देखा कि इंसानी तारीख के अंदर जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने सादगी को अपना तुर्रा बनाया और अपने लिए फ़ख्र का ज़रिया बनाया, बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर ली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PhD कर चुके हैं USA से। इनका विजन और ख्वाब ये है कि नौजवानों को सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतारिफ करवाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अनमोल मोती शामिल हो सकें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि शुक्रगुजारी, कनाअत, सादगी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन कौन से असूल हैं जिनकी रहनुमाई हमें सीरत में मिलती है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शरीफ ज़ादा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सीरत के मौजू में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसा मौजू है जिसको हम सभी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया आपका और कासिम अली शाह फाउंडेशन, आपके सारे ज़िम्मेदारान का। जहाँ तक सीरत के साथ मोहब्बत का और उससे एक वाबस्तगी का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है मैं एक मजहबी माहौल के अंदर मेरी आँख खुली और मेरा दीन के साथ एक बतौर तालिब इल्म के, जैसे हर घर के अंदर एक वाबस्तगी होती है, मुझे भी वो माहौल मैसर आया। लेकिन सीरत के साथ ख़ास तौर पर मेरी जो वाबस्तगी है उसके असबाब, वो एक वाक़या है। बेसिकली जब मैं 9 मार्च 1978 की एक सुबह स्कूल लेवल के एक मुकाबले में जब मैंने किसी मजमून में टॉप किया तो उन्होंने वहाँ पे मुझे इनाम के तौर पे हकीम सईद साहब ने एक किताब गिफ्ट की, और वो किताब थी, उसका नाम था प्यारे रसूल के 100 प्यारे वाक़यात। यानी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की निस्बत से 100 वाक़यात मौजूद थे। हकीम सईद साहब ने मुझे किताब देते वक्त कहा कि इसके अंदर 100 वाक़यात हैं, रोज़ाना एक वाक़या पढ़ना है, फिर उसे अपने अल्फाज में ख़त की शक्ल में मुझे लिखना है, 100 दिनों में 100 वाक़यात जो हैं उन्हें मुकम्मल करना है। वो 100 दिनों में 100 वाक़यात और खतूत तो मुकम्मल हो गए, लेकिन सीरत का एक ना ख़त्म होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो गया। 9 मार्च 1978 से लेके गुजरी हुई रात तक मेरी 24 घंटों में शायद ही कोई ऐसा वक्त गुजरा हो जिसमें मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक तालिबे इल्म के तौर पे सब करना पड़ा हो। तो ये उस दिन से उस किताब की बरकत है। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला हकीम सईद साहब की कब्र को नूर से भर दे कि उनकी उस तवज्जो और दिलचस्पी के सबब, उस रहनुमाई के सबब आज मेरा जो है वो ओढ़ना बिछोड़ना सीरत है, और उसके साथ कुल वक्ती तौर पर मेरा जो आप यूँ कह सकते हैं कि हर तरह की मसरूफियत का बुनियादी महवर व मरकज़ जो है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को जानना, समझना और उसे बयान करना। सर, मुझे ये बताइएगा कि सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं, अगर हम सादगी की बात करें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें कैसी नज़र आती है? जब हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना शुरू करते हैं या हुज़ूर के लाए हुए पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा दीन छोड़ कर जा रहा हूँ जिसका दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा पैगाम और एक ऐसा निज़ाम हयात तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ कि जो शख्स इसको अपना लेता है
उसका दिन भी वैसा रोशन होता है और उसकी रात भी वैसी ही रोशन होती है। सो वो दीन जिसके बारे में मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये बात कहा करता हूँ कि ऐसा दीन जो तहारत गाह में भी इंसान को हिदायत और रहनुमाई से महरूम नहीं रहने देता, ये कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में वो हमारे लिए रहनुमाई न फराहम करता हो। सो हम बैने ही जब हुज़ूर की ज़िंदगी को देखना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हर तरह की रहनुमाई जो है वो मैसर है, और हुज़ूर की ज़िंदगी पर काम करने वाले, गौर व फ़िक्र करने वाले लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पूरी इंसानी तारीख के सबसे बदतरीन लोगों के दरमियान अल्लाह ने अपना सबसे बेहतरीन रसूल भेजा। और वो बदतरीन क्यों थे? डॉक्टर ल्यूरिन जसलर ये बात लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्हें बाकी अम्बिया मुरसलीन और हक परस्तों को उससे मुख्तलिफ करता है, हुज़ूर की ज़िंदगी का वो चैलेंज ये है कि हुज़ूर जिन लोगों के दरमियान आए वो अपने मामलात में इंतहा पसंद वाक़ हुए थे। यानी अगर उनके उनमें कोई खुश लिबास था तो वो इतना आला और अरफा दर्जे का और तायश के दर्जे पे जाके खुश लिबास था कि गोया अपने सारे वसाइल जो हैं वो उसने उसमें झोंक रखे थे, और अगर कोई लिबास की तरफ से बेहतियात था तो वो इतना कस्मा पुरसी और उसके आलम में था, गोया मुआशरा जो था वो दो इंतहाओं पर ज़िंदगी बसर कर रहा था। सो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला अज़ली अब्दी उसूल अपने मुआशरे को और फिर पैगाम की शक्ल में रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए फराहम किया वो ये था कि खैर उल उमूर औसत हुआ। हुज़ूर फरमाते हैं सारा खैर जो है ना उसकी बुनियाद मियाना रवि के अंदर अल्लाह ने रखी, इतदाल के अंदर रखी है। चुनाचा हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी एक कमाल दर्जे की खूबसूरती जहाँ बाकी मामलात में नज़र आती है, मामूलात में नज़र आती है, रवैयों में नज़र आती है, आदात करीमा में नज़र आती है, वहाँ लिबास की का मामला हो, खुराक का मामला हो, इंसानों के साथ ज़िंदगी बरतने का मामला हो, हर दर्जे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो है वो इतदाल नज़र आता है। और इतदाल का ये हुस्न होता है कि उसके अंदर बहुत पेचीदगी नहीं पाई जाती, इत्तेदाल अपने अंदर बाकी खूबियों के साथ साथ सादगी की खूबी जो है वो भी रखता है। इसीलिए हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर हमें एक सादगी का अंसर नज़र आता है। और हमने ये देखा कि इंसानी तारीख के अंदर जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने सादगी को अपना तुर्रा बनाया और अपने लिए फ़ख्र का ज़रिया बनाया, बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर ली। इसीलिए हम देखते हैं कि क्योंकि हुज़ूर से अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े काम लेने थे, ऐसे लाफानी काम लेने थे जिनका असर जो है रहती दुनिया तक के इंसानों और मुआशरों पे पड़ना था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात करीमा में वो जो सादगी का अंसर है वो बुनियादी तौर पे हमें नज़र आता है। एक ऐसी हस्ती जो तख्लीक वजह कायनात है और जो अपने होने से आगाह है, जो अपनी अहमियत से आगाह है, जो अपना अपना शऊर ज़ात रखती है, वो हस्ती यानी ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी पाकिज़ा और बरगुजीदा रूह जिसने रहती दुनिया तक के इंसानों को उनकी अपनी ज़ात और ख़ुदी और रूह से मुतारफ़ करवाना था वो अपने मकाम और मनसब से मुतारफ़ न हो। यकीनन हुज़ूर से बेहतर हुज़ूर का मकाम और मनसब मखलूकात में कौन जान सकता है, लेकिन इसके बावजूद, इस एहसास के होने के बावजूद, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो उसके अंदर किस दर्जे की सादगी और आम एक दर्जे की ज़िंदगी हुज़ूर ने गुजारी, बल्कि आम दर्जे से भी एक दर्जा नीचे जा के ज़िंदगी गुजारी। सबब ये था कि मुआशरे में कोई शख्स ये बात ना कह सके, इसे उज़र ना बना सके कि क्योंकि हुज़ूर तो एक ख़ास माहौल में मौजूद थे, ख़ास वसाइल के साथ ज़िंदगी कर रहे थे, उन वसाइल के साथ तो ज़िंदगी हो सकती है, मेरे पास क्योंकि वो वसाइल और माहौल मौजूद नहीं है इसलिए उस वसाइल और माहौल के दर्जे से नीचे होने की वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रहा। सर मुझे ये बताइएगा कि सीरत के जब हम मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं तो इसमें आजकल के मुआशरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम ओवर ईटिंग के आदि हो चुके हैं, शिकम सेरी जिसे कह लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें खुराक के मामले में, खाने पीने के मामले में क्या रहनुमाई मिलती है? वो किसी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि कुल जहाँ मिल गया जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मेरे करीम आका ने का बुनियादी जो सारी मेहनत है ना, मैं ये समझता हूँ अगर कोई मुझसे एक फ़िक्रे में पूछे ना कि मैंने हुज़ूर की सीरत के सफ़र में हुज़ूर को क्या जाना, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे करीम आका की सारी मेहनत का जो मरकज़ी नुक्ता है वो इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाना, इंसानी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करना। इसीलिए हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं कि मैं बशारतें तकसीम करने के लिए आया हूँ, आसानियाँ तकसीम करने के लिए आया हूँ।
सो हुजूर की अपनी उम्मत में भी वही लोग हुजूर की निगाह इल्तफात में हैं जो लोग लोगों में आसानियाँ और बशारतें तकसीम करने वाले हैं। अच्छा, ये जो आसानी का पहलू है ना, ये जहाँ रवैयों में और बाकी मामलात में आता है, इसका खुराक के अंदर भी बड़ा गहरा ताल्लुक है इसके साथ। हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम की अपनी ज़िंदगी जो है उसके अंदर खुराक का मामला इतना महदूद है कि अगर उसके आज सीरत निगारों में एक ऐसा तबका मौजूद है जिसने ये तय कर रखा है कि हुजूर ने पूरी ज़िंदगी में कितने मन गेहूँ खाई है, कितनी जो है वो हुजूर ख़ुद फरमाते हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मुखातिब करके कि तुम्हारे वालिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी दो दिन तीन दिन लगातार जो है वो रोटी नहीं खाई। सही, यानी एक वक्त अगर खाया है तो अगला वक्त का मैसर नहीं है, अगर दो दिन खा लिए। और अच्छा, इसमें एक तो मामला ये है कि हुजूर के पास किसी चीज़ का आना, नेमत का आना, फिर हुजूर के पास जब बहुत बड़ी मिकदार में खैर अल्लाह का रिस्क जो है उन तक पहुँचा भी, तो हुजूर ने सुबह का जो हुजूर तक पहुँचा है उसे शाम से पहले अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दिया। और अगर शाम को हुजूर तक कोई चीज़ पहुँची है तो हुजूर ने सुबह के सूरज तुलू होने से पहले लोगों तक उसको पहुँचा दिए। और वो रिस्क की फरामानी जो रसूलुल्लाह सल्लम के दरे अक्दस पे दस्तक देती हुई हमें नज़र आती है, मेरे करीम आका उसे अपने दिल तक नहीं आने देते बल्कि उसे मदीने की गिरदोनवा में बस्तियों में मौजूद वो लोग जो उस खुराक के लिए तरस रहे हैं, जो उस रिस्क की कमी का शिकार है, किल्लत का शिकार है, उन तक पहुंचा रहे हैं। हुजूर का अपना मामला क्या है कि कभी एक खजूर से रोज़ा रखा जा रहा है और कभी एक खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है, और न जाने कितने रोज़े मेरे करीम आका की ज़िंदगी के ऐसे हैं। यानी बाकी खुराक तो एक तरफ है, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाइए कि मेरे रसूल की ज़िंदगी के न जाने कितने रोज़े ऐसे हैं जिनमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पानी से रोज़ा रखा है और नमक से इफ्तार कर लिया, अगर एक खजूर से रोज़ा रखा है तो दूसरे टाइम पे इफ्तार के वक्त वो खजूर तक मैसर नहीं, उसका सबब क्या है? हुजूर अपने अमल से ये बात लोगों तक पैगाम की शक्ल में पहुंचाना चाहते थे कि ये जो रिस्क है इंसान को अपने खुराक को इतना आम फहम और सादा रखना चाहिए कि उसके लिए किसी तरह के हालात में भी कोई चीज़ कुल का बायस ना बन रही हो, उसके लिए कोई मलाल का ज़रिया ना बन रही हो, उसके फ्रस्ट्रेशन का सोर्स ना बन रही हो। हम देखते हैं ना हमारे माशरे में हम बहुत सारी नेमतों के पीछे इस तरह भाग रहे हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा करने की एक हवस है, एक अजीब तरह के हम मखमसे का शिकारों से इकट्ठा किए जा रहे हैं, और फिर वो किसी दर्जे पे भी जब कहीं थोड़ी सी कम होना शुरू होती है तो वो नेमत हमारे लिए एक वबाल बन जाती है, उसका हमसे खो जाना जो है वो एक अजाब की शक्ल में हमारी ज़िंदगी को घेर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने खुराक के मामले में ख़ुद ये फरमाया कि यानी वो मारूफ हदीस के अपने पेट को जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा पानी के लिए रखो, एक हिस्सा हवा के लिए रखो और एक हिस्सा खुराक के लिए रखो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं, हुजूर फरमाते हैं ये मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है कि जब तक उसे भूख ना लगे उस वक्त तक वो खाने की तरफ रगबत नहीं करता, यानी ये मोमिन की शान है, वो एहतियात करता है। तो मकसद क्या है, ये हुजूर ये बताना चाहते हैं। फिर आपके ज़माने में जितनी बेहतरीन चीज़ें मैसर हैं हुजूर उन सब से लुत्फ़ लेने के आदी हैं, उसे पसंद फरमाते हैं। ताज़ा फल आता है तो उसे भी खाते हुए नज़र आते हैं, ताज़ा सब्ज़ी आती है तो उसे भी पसंद करते हैं, बल्कि असाब में मारूफ था कुछ साहबी जो थे वो तो उन्होंने जब देखा कि हुजूर को ये चीज़ पसंद है तो बड़े एहतमाम से हुजूर की खिदमत में लाते, लेकिन क्या होता वो जो टोकरा भर के हुजूर के सामने पेश किया जाता हुजूर उसमें से उसूल बरकत के लिए कुछ थोड़ा सा जो है वो अपने लिए रख लेते और बाकी लोगों में तकसीम कर देते। तो हुजूर के रवैयों में मुसलसल आपको एक तकसीम करने का अमल जो है वो नज़र आता है, किसी और को अपनी उस नेमत में शरीक करने का अमल नज़र आता है। इसी वजह से हुजूर के यहाँ खुराक के मामले में जब हम देखते हैं तो बहुत एक महदूद खुराक जो है वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का हिस्सा नज़र आती है। और फिर आपके ये जो रवैया है ये आपके तरबियत याफ्तगान के अंदर भी हमें नज़र आता है। जनाब अली करमुल्लाह करीम का वो मारूफ फ़िक्र है, आपने कहा अपनी साहबजादी को कि मैंने अपने दस्तरखान के ऊपर कभी दो नेमतों को इकट्ठा नहीं होने दिया, दो सालन जो है उनको इकट्ठा नहीं होने दिया। तो ये क्या पैगाम है? ये वो लोग थे जो अपने मुआशरे में अपने एहतमाम में आप समझ सकते हैं कि शर्क और गर्ब उनके ज़ेरे नगीन था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल इरादा बाय चॉइस अपने आप को एक महदूद उसके इस्तेमाल तक रखा। क्यों? ताकि उनसे मोहब्बत करने वाले इस रोशनी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर सकें और उनकी अकीदत का दम भरने वाले जो उन पर अपना सब कुछ निछावर करने का हर वक्त नारा बुलंद करते हैं उनके रवैयों में ये खूबसूरत रवैये दाखिल हों,
उनकी ज़िंदगी से ये रोशनी जो है वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो सो हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम की खुराक में बड़ी सादा सादा सी खुराक हमें नज़र आती है, कहीं गेहूँ और जौ नज़र आते हैं, किसी जगह पर खजूरें, चंद खजूरें नज़र आती हैं, जमजम नज़र आता है हुज़ूर का कि दूध जो है वो हुज़ूर को पसंद है, सब्ज़ियों में दो चार मारूफ सब्ज़ियाँ जो उस ज़माने में आसानी से मैसर थी, जो इजारे तायश के लिए लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, दूध है, सादा रोटी है, हुज़ूर के मामूलात का हिस्सा है। न जाने कितनी मरतबा हुज़ूर को बासी रोटी खाते हुए लोगों ने देखा, असहाब अपने घरों से बेहतरीन पकवान लेकर आते, हुज़ूर उनकी तारीफ़ कल्ब के लिए, उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते और बाकी वापस उनके घरों को बरकत के लिए पलटा देते, या उन्हें कहते कि बाकी जो आबादी उसके अंदर तकसीम कर दें। तो हुज़ूर की खुराक जो है वो बड़ी सादा और आम फहम थी। ये अलमिया है कि हुज़ूर से मोहब्बत के इजहार के लिए तो दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात कही कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए और आपके काम के लिए जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले चंद लोग हमें नज़र आते हैं। तो हम जो हुज़ूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी न किसी दर्जे पर अपनी ज़िंदगियों में उस सादगी के खूबसूरत उसूलों को उनका निफाज करना चाहिए, उसे अपनी आदतों का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने माहौल का हिस्सा बनाना चाहिए। माहौल का हिस्सा इनफरादी कोशिश से बनता है। जब चार लोग इकट्ठे होते हैं और उनमें से कोई एक आदमी एक शम्मा जलाता है तो शुरू में लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन खैर के अंदर ये कुव्वत और खूबी हुआ करती है कि वो बहुत थोड़ी देर के अंदर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है और लोग उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इनफरादी दर्जे पर चीज़ों को अपनाने से हुज़ूर की ज़िंदगी के अंदर ये जो खैर और खूबी मौजूद है, इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने से ही हम लोगों को, लोगों की जो हुज़ूर के साथ मोहब्बत का अमल है, इसे एक दर्जा आगे ले जाते हुए हुज़ूर के साथ अतात वाले दर्जे पे ले जाने में मुआमिन और मददगार हो सकते हैं। सर, हमारे माशरे में आपने भी देखा होगा कि एक नाशुक्री का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और दूसरा बेसकूनी का एलिमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा है। इसकी असल वजह क्या है और सीरत से हमें इन मामलात में कैसे रहनुमाई मिलती है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का निचोड़ ये है कि जब कोई शख्स कनात की नेमत से नवाजा जाता है ना अल्लाह की तरफ से, तो वो अल्लाह के खैर का एक वसी हिस्सा पा जाता है। यानी कनात के अंदर इतनी खूबसूरती है, इसके अंदर इतना सारी नेमतें जो हैं वो बैक वक्त इकट्ठी हो जाती हैं कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, उनको गिना नहीं जा सकता। वो मुझे वो हदीस के अल्फाज कमाल मेरे दिल के ऊपर जो है वो कैफियत तारी करते हैं। एक अरब नसर निगार है, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वो कहता है, रोज़ाना आसमान से इल्हाम में मुअत्तर ये आवाज़ मेरे दिल के कानों पर दस्तक देती है और मेरे अंदर एक सरशारी पैदा कर देती है। वो आवाज़ क्या है? कहता है, अल्लाह रोज़ ये अपने बंदों को मुखातिब करके कहता है, ऐ बंदे, तू दुनिया में मेरे थोड़े दिए पर राज़ी हो जा, मैं आखिरत में तेरे थोड़े किए पर राज़ी हो जाऊँगा। तू दुनिया में मेरे थोड़े दिए पर राज़ी हो जा, मैं आखिरत में तेरे थोड़े किए पर राज़ी हो जाऊँगा। असल में जितनी भी बेचैनी और इस्तराब है ना, इस सब की जो बुनियाद है वो नाशुक्री है, और नाशुक्री हमेशा हमेशा इंसान को अदम तवक्कल की तरफ ले जाया करती है। सो जब तवक्कल इंसान के अंदर रासिख होना शुरू हो जाता है, अल्लाह पर भरोसा रासिख हो जाता है, फिर अल्लाह पर, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना आसान हो जाता है। जब अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना इंसान के लिए मामूल बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो शुक्रगुजार बंदा बनना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने वादा कर रखा है इंसानों के साथ कि जिनके यहाँ रवैयों में शुक्रगुजारी का जज्बा रासिख होना शुरू होता है, अल्लाह उनकी नेमतों की हिफाजत करना शुरू कर देता है। हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में नेमत की हिफाजत भी चाहता और नेमत में हर लम्हा बरकत चाहता हो कि उसकी नेमत हर वक्त बढ़ती रहे, उसका एक ही तरीका है कि जो मयस्सर है उस पर काने हो जाए, उस पर कनात करना शुरू कर दे, और फिर ना सिर्फ कनात करना शुरू करे बल्कि एक दर्जा आगे जाके उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दे। शुक्र जितना बढ़ता जाएगा, इतनी नेमत जो है उसकी मकदार बढ़ती जाएगी। सर, आप सीरत पे बेशुमार सेशंस भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में तलबा को तालीम देते हैं, मुझे ये बताइएगा कि यूथ को आप क्या एड्रेस करेंगे, क्या पैगाम देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में सीरत को किस तरह शामिल करें? देखिए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके अंदर इतनी सरशारी है। मैं रोज़ाना दोस्तों से ये बात कहा करता हूँ कि जो बात मैंने आपको हुज़ूर की ज़िंदगी का जो मंज़रनामे में मैंने आपको शरीक किया,
हुजूर की ज़िंदगी का वो वाक़या, वो पहलू आपने ज़िंदगी में न जाने कितनी मरतबा सुन रखा होता है, लेकिन ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ज़िंदा मुइज़ा है कि आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता कोई खूबसूरती जितनी मरतबा दोहराई जाए इतनी मरतबा सरशारी अता करती है। हुजूर की ज़िंदगी से मुंसलिक कोई वाक़या, मंसूब कोई हिकायत जितनी मरतबा सुनी जाती है इतनी मरतबा सरशारी अता करती। मैं अपने नौजवानों से यही बात कहा करता हूँ और आज आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हुजूर की ज़िंदगी से हम तक पहुँचने वाली कोई बात सुनने में अगर इतनी सरशारी अता करती है तो उस रसूल की ज़िंदगी को अपनाने से किस दर्जे की सरशारी और इत्मीनान अता होता है, इसका अंदाज़ा सिर्फ़ वो शख्स लगा सकता है जो हुजूर की ज़िंदगी में मौजूद खैर को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना शुरू करे। आप एक लम्हे के लिए हुजूर की आदात करीमा में से किसी दो चार छः को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करके देखें तो सही, यानी देखें ना हम अपनी ज़िंदगी में इस तराब को दूर करने के लिए कितने जतन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी कोशिशों काविशों में एक कोशिश आज से ये करके देखें कि हम हुजूर की ज़िंदगी की वो जो छोटी छोटी खूबसूरती हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। आप देखें कुछ दिनों के बाद आपको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा पहले से ज़्यादा खुशगवार नज़र आना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी के बारे में आपकी राय भी बदलना शुरू हो जाएगी और आपसे मंसूब लोगों की राय भी बदलना शुरू हो जाएगी। सो हर वो शख्स जो ये चाहता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब इख्तियार करे, उनकी निगाह इल्तफात में आना चाहे, उसका इकलौता और मौसर तरीन तरीका ये है कि हुजूर की ज़िंदगी के अंदर जो वो पाकीज़ा रवैये मौजूद हैं, वो जो इंसानों के साथ इखलाफानी मोहब्बत और इकराम आदमियत और लोगों के लिए आसानी और खुशखबरी पैदा करने का जो जज्बा है उसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दें। आप देखिए अपनी ज़ात से इब्तदा करना शुरू कीजिए, कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि ये जो छोटा सा चिराग आपने अपनी ज़िंदगी में जलाया होगा इससे और न जाने कितने चिराग जो हैं वो रोशनी के जलना शुरू हो जाएंगे और आपके इर्द गिर्द कितना अंधेरा जो है वो रोशनी के अंदर बदल चुका होगा। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनकी फाउंडेशन है, उनके खैर के कामों से आप आगाह हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कासिम अली शाह मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं जी, और इस बात से कतः नज़र कि मेरा और उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है। पूरी दयानतदारी से मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि एक लफ्ज़ जिसमें कासिम अली शाह की पूरी शख्सियत का अहाता करना है तो मैं कहता हूँ कि वो एक ब्लेस्ड सोल है। अल्लाह ने इस ज़माने के अंदर जब उम्मत के अंदर बहुत कम लोग जो हैं उन्हें नौजवान एक हीरो के तौर पर लेते हैं, हीरो से मुराद लोगों की नज़रिया फ़िक्र में न जाने हीरो से मुराद क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हीरो वो हुआ करता है जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसकी कहीं भी बात को मानते हैं। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से ये इस खुशगवार एहसास में आपके सामीन और नाज़रीन को शरीक करना चाहूँगा। मैं ऐसे हज़ारों नहीं सैकड़ों नहीं शायद लाखों लोगों को जानता हूँ जो खैर की तरफ अपने वालदैन की तहरीक पर नहीं आया करते, उनके वालदैन को उन्हें किसी छोटे से खैर तक को इख्तियार करने में बहुत मेहनत करवाना पड़ती है। वो जो बहुत मेहनत से नहीं हो पा रहा होता ना, वो अल्लाह कासिम अली शाह की ज़ुबान में ऐसी तासीर डाल देता है कि वो छोटी सी बात जो बज़ाहिर शायद उनको मुखातिब करके नहीं कही गई होती लेकिन अल्लाह वो दिल के रास्ते, क्योंकि दिल से निकली हुई बात होती है इसलिए अल्लाह उसमें तासीर डाल देता है और फिर वो बात बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी में खैर का ज़रिया बनती है। कासिम अली शाह मैं समझता हूँ हमारे जैसे मुआशरे के अंदर एक ऐसे वजूद का होना एक नेमत है और मैं इसलिए इनके सारे काम से बखूबी वाकिफ़ भी हूँ, तफसीलन वाकिफ़ भी हूँ और इससे बहुत मुतमईन हूँ इसलिए कि ऐसे बहुत सारे कासिम अली शाह की इस मुआशरे को ज़रूरत है। और जूँ जूँ इस एक खैर की उस मरकज़ से और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस खैर की तरफ आ रहे हैं और इसका अलम बुलंद कर रहे हैं और बहुत सारी और ज़िंदगियों में रोशनी मुंतकिल हो रही, तो ये जो खैर का लाफानी सिलसिला है उसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने कासिम अली शाह को बनाया। मेरी बहुत सारी नेक दुआएं और तमन्नाएं कासिम अली शाह और कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए, अल्लाह इनको इसी तरह खैर पर कायम रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग सीरत के हवाले से जानना चाहते हैं और इसके कई पहलुओं पे हमने डिस्कशन की उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।